बार फिर से मेरे चैनल ब्लॉगिंग आरती दीप में। तो दोस्तों आज हम बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट कर रहे हैं, लगभग मैं 2 महीने के बाद वीडियो शूट कर रही हूँ। दोस्तों 1.5 महीने के बाद आज हम आपके साथ एक वीडियो लेके फिर से आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। अगर दोस्तों अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं और फ्रेंड्स लोग हैं, वो लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो वो लोग बोल रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं पोस्ट कर रही हो, क्यों वीडियो शूट नहीं कर रही हो। तो मैंने उनसे बताई और जैसा कि प्रॉब्लम क्या क्या है, प्रॉब्लम तो आती जाती रहती है। तो दोस्तों मैं सोची कि चलिए आज मैं आपसे बता दे रही हूँ कि क्यों मैंने ब्लॉगिंग छोड़ दी थी, तो आपके साथ वीडियो शेयर कर देते हैं। और अभी देखो फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है। यह बारिश तो दिमाग ख़राब करके रखी है। 2-3 दिन से सोच रहे थे थोड़ा बाहर निकल के वीडियो शूट करते हैं, लेकिन क्या है जैसे ही जाने का प्लान होते हैं, आज भी मैंने कपड़े चेंज किए, कब पूरा रेडी हो के बारिश होने लगी, फिर यह हुआ कि वहाँ का टाइम तो ख़त्म ही हो जाएगा पहुँचते पहुँचते, तो क्या मतलब है जाने का। तो 2-3 बार इसी तरह हो रहा है और ये देखो बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। और भाई हमारे यहाँ पे बहुत गजब की गर्मी, इतनी भयानक वाली गर्मी पड़ रही थी ना कि कहीं पे हम जा ही नहीं सकते थे। कि कहीं पे मन भी करता था कि चलो चल के वीडियो बनाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते हैं। तो इतनी भाई भयंकर गर्मी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, दिमाग ही ख़राब था। 2 हफ्ते तो बारिश वाला मौसम बना था बट बारिश होती नहीं थी। बट उसके बाद जब हो रही थी ना तो मिनिमम दो हफ्ते तो ऐसा हुआ ना कि बारिश निकल ही नहीं रही। और बारिश ऐसी होती थी कि सारा दिन रिमझिम बारिश हो रही है, अच्छे से बारिश भी नहीं हो रही है, कहीं ना आदमी आ सकता है ना कहीं जा सकता है। और ये देखो बारिश अभी भी बारिश हो रही है। तो अगल बगल का मैं अपने चारों तरफ का व्यू दिखाती हूँ, बहुत गजब का व्यू है, बहुत अच्छा लगता है देख के, ग्रीन चारों तरफ ग्रीन है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, वीडियो में बने रहना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये बोरे में धान की बेड़ पड़ी है। और बेड़ कैसे पड़ी कैसे नहीं, जैसे मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करा था तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन आप देख सकते हैं बो दिए गए हैं। फिर इसको उखाड़ के फिर इसको इस खेत में एक एक हाथ से लगाया जाएगा। जब लगाया जाएगा तो हम वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जब बेड़ को उगाने के लिए तो वीडियो नहीं शूट कर पाए उसके लिए सॉरी, लेकिन जब धान लगाया जाएगा, चावल की खेती वाला, मतलब जो चावल का पेड़ लगाया जाएगा जिसको बोलते हैं धान, तो ये धान की बेड़ है और इस खेत में धान लगाया जाएगा। आप देख रहे होंगे पानी में, देखिए ध्यान से, अभी भी बारिश हो रही है। ये देखो बारिश हो रही है, स्टार्ट हो गई जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पे देखिए इधर भाई कितना गजब का सीन लग रहा है, आप देख सकते हैं ये छत पे। मैंने आपको बताया कि गर्मी इतनी भयानक थी ना ये वाले खेत में, ये जस्ट इसके सामने वाला, ये इस खेत में जो ग्रीन ये सब दिख रहा है ना, आधा से ज़्यादा तो घास ही है, इसमें कुछ हुआ नहीं, बारिश की वजह से ये घास जमाई नहीं, तो बेड़ जो डाले थे धान का बीज डाले थे तो धान उगा ही नहीं, धान का बेड़ उगी ही नहीं, पूरा बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गई थी, कहीं कहीं पे था तो दोबारा फिर से डाले हैं, आप देख सकते हैं, और दोबारा भी ठीक से नहीं हुआ। आप देख सकते हैं पूरा ग्रीन बहुत ही भाई गजब का सीन लगता है। और जब इस तरह के मौसम होता है ना तो चारों तरफ हरियाली होती है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। और इधर भी देख सकते हैं, इधर भी ग्रीन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बारिश अच्छी मुझे पसंद है बारिश, लेकिन इस तरह की बारिश नहीं पसंद कि धीरे धीरे सारा दिन सारी रात होती रहे कि कोई काम भी ना कर पाओ, ऐसी बारिश बिल्कुल बेकार लगती है। और उमस बहुत ज़्यादा हो जाती है, हल्की सी हवा जैसे अभी चल रही है तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि बारिश हो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा ठंडा मौसम तो लग रहा है, लेकिन बारिश होती है उसके बाद तुरंत धूप, फिर बारिश, फिर धूप ना, तो उसमें वो उमस हो जाती है, भीषण वाली गर्मी थी। तो अब वैसे मौसम अब सही हो गया है तो अब वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नीचे चल के दिखाई देती हूँ, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी ना कि इस वाले खेत में आप देख सकते हैं इतना पानी भरा है, इस वाले खेत में भी पानी भरा था लेकिन ये धीरे धीरे सूख गया, क्योंकि कोई खेत होता है ना ऊपर नीचे होता है और ये सबसे नीचे खेत है तो उसमें पानी भरा ही रह गया, इसमें पानी ख़त्म हो गया है। तो उधर एक खेत था वो भी, उसमें भी पानी भरा था तो उन्होंने लाइनें भी लगा लिया, धान पूरा अपने खेत में लगा दिया है। और बस बस इधर 5-6 दिन में ये पूरा ना पूरा धान की खेती पूरा। और दोस्तों मेरे ना छाला पड़ गया, छाले पड़ गया था तो मेरे बोलने में भी दिक्कत हो रही थी, तो इसी वजह से मतलब एक प्रॉब्लम जाती नहीं थी दूसरी आ जाती थी,
और इसीलिए तो और वीडियो नहीं बनाया। तो वैसे छाले को अब बहुत आराम है, लेकिन हल्का हल्का अभी यहाँ पे लग रहा है, तो थोड़ा सा बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज कर लेंगे जैसे हम मैनेज कर रहे हैं। दर्द हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं। तो दोस्तों इधर का व्यू तो मैं सच बताऊँ, मैं ज़्यादातर अगर बारिश नहीं होती तो मैं बाहर ही बैठती हूँ, उधर नीचे जाके एक ग्रीन ग्रीन पूरा देखती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आप भी देख सकते हैं, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताना आपको ये ऐसा व्यू कैसा लग रहा है, ये व्यू आपको कैसा लग रहा है। और आपके यहाँ बेड़, अगर जो जो लोग गांव से हैं, जो लोग खेती करते हैं, उनके यहाँ बेड़ कितनी कितनी हो गई है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से, क्योंकि मैं इतने महीनों मतलब 1.5 महीने से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी। और कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। सबसे पहला प्रॉब्लम गर्मी की वजह से, गर्मी भाई बहुत भयानक थी। इसके पहले भी वीडियो में मैंने बताया था कि मैं कहीं बाहर जाऊंगी तो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे, अगर यहाँ आसपास कुछ यूनिक सा अच्छा सा दिखता है तो आपके साथ मैं वीडियो लेके आऊँगी। तो मुझे ऐसा कुछ दिखा भी नहीं था। मेन सबसे ज़्यादा गर्मी थी और कुछ प्रॉब्लम थी, जैसा कि मैं बताया था मैं दीदी आने वाली थी, मेरी दीदी नहीं आई, तो मेरा यहाँ से मूड बिल्कुल ही ख़राब हो गया था मेरा मूड। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया था, बहुत कुछ मैंने सोचा था, मेरी बहुत सी वीडियो आने आती, लेकिन जब वो आई नहीं तो मेरा पूरा प्लान ही चौपट हो गया। जहाँ जहाँ मुझे जाना था मेरा पूरा कैंसिल हो गया, तो इस वजह से हम गए नहीं। तो इसीलिए हमने फिर वीडियो शूट नहीं करी। और कोई नहीं, माइंड जब ठीक नहीं रहता ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता। दोस्तों इन्हीं सब प्रॉब्लम की वजह से हम ब्लॉगिंग को कुछ दिन के लिए अवॉइड कर दिए थे, छोड़ दिए थे, हम शॉर्ट्स बनाते थे। और दोस्तों चलिए हम नीचे चल के आपको नीचे का व्यू दिखाते हैं, आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगता है तो वही पुराना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों हम भीग जाएंगे, बाल भी मेरा पूरा भीग जाएगा, बारिश हो रही है। दोस्तों देखिए हम नीचे आ गए हैं, और ये यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक पूरा ये लाइन, वो बेड है, इधर भी बेड है, उधर जो हम छत से दिखा रहे थे उधर भी बेड पड़ी है, इधर पूरे में बहुत ज़्यादा है। और ये जो बीच वाला खेत है वहाँ पे लग गया है लाइना, जो हम बता रहे थे कि बारिश हुई थी तो लाइना लग गया है। तो इसी तरह इसी को उखाड़ उखाड़ के, जिस तरह वो खेत में एक एक हाथ से लगाया गया है, इसी तरह इसको पूरा उखाड़ के और ये जो खेत खाली है इसी खेत में लगाया जाएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नए ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, हरा भरा ग्रीन ग्रीन, और काफ़ी दिनों के बाद वीडियो शूट करे हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करिएगा।